इंजन ना बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है, ठीक है, चाहे आप चढ़ाई पर चढ़ा लो, चाहे आप एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़ा रहे हो, इसका इंजन में ज़्यादा नॉइज नहीं फील होगी, लेकिन थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे अपने स्पीड और पिकअप बना के उठती है, ठीक है। इसकी ना जो वही मैंने आपको पहले बताया, इसकी फिर वो पुल अप वाली पावर, वो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम कहीं से क्रिएट कर देती है। अगर एक्सट्रीम की जो ब्रेकिंग है ना, वो ब्रेकिंग इसमें नहीं मिलती, कहीं ना कहीं वो आप मिस करोगे, एकदम आपको बढ़िया से दबा के इसको आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। अभी हमारे पास है पल्सर NS125, तो अभी ऐसा नहीं है, हमारे पास एक्सट्रीम भी है, तो हम दोनों की टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी आपको मिलेगी पल्सर की टेस्टिंग, पल्सर कैसी चलती है पहाड़ों में। तो एक्सट्रीम वो खड़ी है सामने, वो भाई साहब लेके जा रहे हैं आगे को, और ये पल्सर है, पल्सर 125, ये कैसा परफॉर्म करती है पहाड़ों में, इसके बारे में भी आपको पता लगेगा, ठीक है। इसका डिटेल रिव्यू भी मैंने दोनों का आपको दे दिया था चैनल के ऊपर, डिटेल रिव्यू कंपैरिजन, ठीक है, वो भी मैंने चैनल के ऊपर दे दिया था, तो आप जाके देख सकते हो। अभी आपको इसमें पहाड़ों में कैसी चलती है इसका राइड रिव्यू देखने के लिए मिलेगा। स्टार्ट करने के बाद कुछ ऐसी इसकी आवाज़ आती है, इंजन में स्मूथनेस बहुत है, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, इंजन में स्मूथनेस बहुत है, एक्सट्रीम के आगे ना इंजन स्मूथ इसका काफ़ी है। एक्सट्रीम का इंजन ना थोड़ा वाइब्रेट करता है पहाड़ों में, जहाँ तक अभी मुझे फील हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो बाइक में पिकअप है ना, वो सेम है, ठीक है, सेम मतलब एक्सट्रीम जैसे ही कह सकते हो। एक्सट्रीम थोड़ा सा ज़्यादा उड़ जाती है, ये थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे अपनी स्पीड और पिकअप बना के उड़ती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो है वो थोड़ा सा करीब करीब ही है दोनों में। स्टार्टिंग मिड रेंज मतलब कि जो आप इसको स्टार्ट करोगे, जब इसको आप 60-70 तक जब आप खींचोगे, 60 की स्पीड तक, तो आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा, आराम से दोनों एकदम सेम ही लगेंगे। लेकिन 60 के ऊपर की कहानी अलग है। जब 60 के ऊपर इसको देखो, मैं लेके जाऊंगा ना अभी 57 के ऊपर, ये चढ़ाई पे चढ़ रही है ऊपर को, ठीक है। तो ये अभी पूरे अपने फिफ्थ गियर में पूरे है, जहाँ इसके चढ़ाई पे चढ़ रही होती है ना, उस टाइम ये पिकअप लेना बंद कर देती है, ठीक है। एक अपनी जो कंटिन्यू स्पीड है ना, उसी पर स्टक हो जाएगी। मान लो अगर ये 50 पे चढ़ रही थी तो 50 पे स्टक हो जाएगी। ये नहीं कि मैं इसका जो ये है ना, पूरा जो इसका थ्रॉटल है पूरा दे दूंगा ना, तब भी पूरा पिकअप नहीं लेगी। पहाड़ों में कुछ ऐसा ये कर रही है थोड़ा सा, मतलब जैसे ऐसे होता ना एकदम से, तो एक्सट्रीम में ये चीज़ कमी नहीं है। इसमें आपको टॉर्क देखने के लिए मिलेगा, अच्छा सा टॉर्क, बहुत प्यारा है कि पुल अच्छे से करती है। जैसे ऐसे देखो, ऐसे पुल बहुत प्यार से करेगी, चाहे आप दो जने बैठे हो चाहे सिंगल बैठे हो। लेकिन एक्सट्रीम में ना टॉर्क कम है, उसमें स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसके अंदर टॉर्क थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो ये आपको पावर कम दिखाती है चढ़ाई के ऊपर। उस टाइम आपको गियर डाउन करने पड़ सकते हैं, गियर अप करने पड़ सकते हैं। ये वाला आपका कंटिन्यूस मतलब जो सिचुएशन है ना, वो लगी रहेगी आपको बार बार। और अगर हम लोग इसकी बात करें कि आप इसको यहाँ पे पहाड़ों में राइड करते समय क्या फील होता है, तो देखिए ये ना एक्सट्रीम के आगे थोड़ी सी लाइट वेट फील होती है। लाइट वेट फील मतलब कि ये दिखने में थोड़ी लाइट वेट है, और जो सी अपनी एक्सट्रीम है ना, वो थोड़ा सा हैवी दिखती है, और थोड़ी सी बाकी जो ये इंजन में वैसे ज़्यादा ये है, पर दिखती ज़्यादा वो है, ठीक है। और देखिए इसको लीन करने में ना, लीन करने में इसको मज़ा आता है, लेकिन इसकी ना जो वही मैंने आपको पहले बताया, इसकी फिर वो पुल अप वाली पावर, वो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम कहीं से क्रिएट कर देती है, अगर कहीं खड़ी चढ़ाई आ जाए तो उस टाइम ये दिक्कत कर देती है। उस टाइम आपको एक गियर डाउन करके फिर अप करना पड़ेगा, लेकिन जो सी एक्सट्रीम है वो जो सी गियर में रहेगी ना, उसी गियर में आप उसको उठा सकते हो। गियर अप डाउन करोगे तो और अच्छी परफॉर्मेंस देगी। बाकी बात करें तो 60-70 की स्पीड आराम से आप इसे अचीव कर सकते हो पहाड़ों में बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसके अंदर जो हैंडल इसमें बाहर हैंडल नहीं है, इसके अंदर स्पोर्ट्स हैंडल यूज़ होता है, तो वो एक अलग तरह के राइडर्स के लिए है, जो स्पोर्ट्स वाले हैंडल को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा लीनिंग वगैरह में। लेकिन अगर जो बाहर हैंडल चलाते हैं जैसे मैं हूँ, तो उस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मुझे हल्की सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लीनिंग में फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम आता है। और एक कॉन्फिडेंस कम आने का इसका एक रीज़न और भी है जो मुझे लग रहा है, वो है कि इस बाइक के अंदर पीछे टायर आपको थोड़ा पतला मिलता है, ठीक है। 100 सेक्शन का शायद टायर मिलता है इसके अंदर देखने के लिए, तो इसलिए आपको थोड़ा सा लीन में कॉन्फिडेंस उससे भी कम आता है। और इसका थोड़ा सा आगे का सस्पेंशन हल्का सा पतला दिया हुआ है, इसकी जो ट्रेल है वो एक्सट्रीम के मुकाबले कम है, तो इसलिए थोड़ा सा लीनिंग में ना कॉन्फिडेंस बस पूछो मत नहीं आता। आता है, लेकिन जो बार हैंडल के शौकीन हैं उनको तो नहीं हो सकता कुछ भी, बार हैंडल वालों को इसमें प्रॉब्लम आएगी आएगी।
लेकिन जो स्पोर्ट सैंडल चला रहे हैं ना शुरू से, R15 चला रहे हैं, बजाज की कोई और बाइक चला रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बढ़िया एकदम मज़े से चलाएंगे इस बाइक को, बढ़िया इंजॉय करेंगे। लेकिन जो इसकी पुलिंग का वो है, मैंने आपको बता दिया, पुल हम लोग इसको नहीं कर सकते, ठीक है। और एक चीज़ और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता लगनी बहुत ज़रूरी है, इंजन ना बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है, ठीक है, चाहे आप चढ़ाई पर चढ़ा लो, चाहे आप एकदम खड़ी चढ़ाई पर चढ़ा रहे हो, इसका इंजन में ज़्यादा नॉइज़ नहीं फील होगी, लेकिन एक्सट्रीम वाले में इंजन में ना नॉइज़ फील होती है, उसका इंजन अलग अलग ऐसे नॉइज़ करता है, जो होता है ना कि इंजन पे थोड़ा पावर पड़ रहा है तो नॉइज़ करता है, तो मे भी हो सकता है कि अभी उसका इंजन नया है ऐसा हो, या फिर मैंने देखा भी हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है हीरो के साथ, कि हीरो के जो इंजन होते हैं ना वो थोड़े से वाइब्रेशन वाले होते हैं, तो ऐसा हो सकता है। और बजाज के इंजन हो गए, यामाहा के इंजन हो गए, या TVS के, तो इनके इंजन ना स्मूथ होते हैं, होंडा के इंजन, तो ये सब स्मूथ होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसमें आपको इंजन से रिलेटेड ज़्यादा वो नहीं आएगा, लेकिन उसमें इंजन की थोड़ी सी नॉइस आपको सुनने को मिलेगी, जो कि किसी किसी को इरिटेट कर सकती है, फिलहाल मुझे तो कर रही है थोड़ा सा, पर ज़्यादा भी नहीं कर रही, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा चढ़ाई आती है तभी वो थोड़ा सा करती है, बाकी नहीं करती। बाकी रही बात इसकी ब्रेकिंग की ना, ब्रेकिंग इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, तो ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा बेटर भी नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं कहूँगा, दोनों के बीच में ही है, मज़ा आ जाता है, मतलब कि एकदम अच्छी ब्रेक्स नहीं लगा सकते, मतलब एकदम जैसे एक्सट्रीम की जो ब्रेकिंग है ना, वो ब्रेकिंग इसमें नहीं मिलती, कहीं ना कहीं वो आप मिस करोगे, एकदम आपको बढ़िया से दबा के इसको आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, उसमें आपको दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपकी आराम से बस मतलब आपके हाथ पैर के इशारे से चल ब्रेक लगा देती है, तो ये प्रॉब्लम एक मुझे लग रही है इस वाली बाइक के अंदर। बाकी पावर उस बाइक के अंदर ज़्यादा है और टॉर्क इस बाइक के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, इसको चढ़ाई पे कोई दिक्कत नहीं आती कम ज़्यादा करने पे, इंजन में साउंड नहीं आती, उसके अंदर साउंड ज़्यादा आती है, ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताई है। बाकी और भी वीडियोस आने वाली है इस बाइक से भी रिलेटेड और दूसरी बाइक से भी रिलेटेड, अपनी जो एक्सट्रीम है उससे रिलेटेड भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है इन बाइक से, अगर आप लोगों के पास ये बाइक ऑलरेडी है या लेने वाले हो तो आपको पता लग गया होगा, अगर आपके पास है तो क्या प्रॉब्लम आती है प्लीज़ शेयर करना मेरे साथ, ताकि आगे फ्यूचर में मैं भी उन प्रॉब्लम्स को देख सकूँ। चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।